मराठा इतिहास का सबसे चर्चित शख्स दादोजी कोंडदेव। औरंगजेब और दादोजी कोंडदेव में एक समानता यह है कि इन दोनों को घृणता की नज़रों से देखा जाता है। फर्क बस इतना है कि औरंगजेब एक क्रूर व्यक्ति था, इसलिए दूसरे लोगों के साथ उनके ही समाज के लोग भी नफरत करते हैं। पर सवाल उठता है कि क्या दादोजी कोंडदेव भी क्रूर व्यक्ति थे? ऐसी कौन सी गलती उनके हाथों से हो गई जिसके कारण मृत्यु के 350 साल बाद दादोजी कोंडदेव अचानक खलनायक बन गए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी। छत्रपति शिवाजी महाराज के शुरुआती दिनों में दादोजी कोंडदेव का नाम खास तौर में सामने आता है, पर उनका इतिहास महाराज के जन्म से पहले ही शुरू हुआ था। प्रस्तुत वीडियो दो भाग में प्रदर्शित होगी। पहले भाग में छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु पर चर्चा करेंगे तो दूसरे भाग में खुद दादोजी कोंडदेव की विस्तृत कहानी जानेंगे। दादोजी ने अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य किया नहीं और ना ही वो औरंगजेब जैसे थे। ये बात वो लोग भी मानेंगे जो इनसे नफरत करते हैं। पर सवाल ये उठता है कि दादोजी कोंडदेव को लोग क्यों नापसंद करते हैं? इस सवाल का जवाब देने से पहले इसकी पृष्ठभूमि पर गौर करते हैं। जिन लोगों की प्राथमिक पढ़ाई साल 2000 के दौरान शुरू हुई, उन्हें याद होगा कि चौथी कक्षा में छत्रपति शिवाजी महाराज का संक्षिप्त इतिहास भी पढ़ाया गया था। महाराष्ट्र सरकार से सिर्फ ये गलती हुई कि उन्होंने इस पाठ्यक्रम में दादोजी कोंडदेव को महाराज का गुरु बताया। ये छोटी सी बात उस वक्त के बच्चों के दिमाग में बैठ गई। उसके बाद वो बच्चे बड़े हुए, जिनमें आप, मैं और हमारे चैनल के लेखक भी शामिल हैं। उन बच्चों में वो लोग भी शामिल थे जिन्हें सच में लगता है कि महाराज के गुरु दादोजी कोंडदेव ही थे। पर साथ ही वो बच्चे भी शामिल थे जिन्होंने आगे चलकर इस बात का कड़ा विरोध किया। फिर इस कुएं में उन लोगों ने भी डुबकी लगाई जो संत तुकाराम या समर्थ रामदास स्वामी को महाराज का गुरु मानते हैं। इस सामाजिक सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, पर इस तपते ज्वाला में राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटी जमकर सेक ली। फिर हुआ यूं कि आम लोगों को इस लड़ाई में अकेला छोड़कर राजनीति से जुड़े हुए लोग भाग गए। इसके बाद सबसे बड़ा खेल उन इतिहासकारों ने खेला जिन्होंने दशकों पहले दादोजी कोंडदेव को महाराज का गुरु कहा था। उन लोगों की लिखी बातों को देखकर ही महाराष्ट्र सरकार ने गुरु वाली बात पाठ्यक्रम में डाली थी। पर सियासत देखकर उन्होंने भी अपने विचार बदल दिए। हो सकता है कि उन्हें इसके पीछे कुछ सबूत मिले होंगे, पर जैसे ही उनके विचार बदले वैसे ही दादोजी कोंडदेव के प्रति लोगों के मन में घृणा पैदा होने लगी। अभी तक तो सिर्फ नाम का विरोध हो रहा था, पर देखते देखते अब शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ। जिन संतों ने अपने जमाने में समाज कल्याण किया, अपने लेखनी द्वारा संस्कार फैलाए, ऐसे समर्थ रामदास स्वामी के लिए भी अब शब्दों का इस्तेमाल होने लगा। खैर, समर्थ रामदास स्वामी को छोड़ देते हैं। बात दादोजी कोंडदेव की हो तो उनकी गलती सिर्फ इतनी ही थी कि वो एक ब्राह्मण थे। दादोजी कोंडदेव भले ही महाराज के गुरु नहीं होंगे तो भी उनके कार्य को नज़रअंदाज करके आज की पीढ़ी ने बहुत बड़ा पाप किया है। महाराज के गुरु कौन थे इस बात का जिक्र भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक दो बखर को छोड़ दिया जाए तो किसी का भी नाम खुले तौर पर सामने नहीं आता। फिर इस परिस्थिति में अगर उनके इतिहास के बारे में, उनके कार्यों के बारे में जानकारी नहीं है तो दादोजी कोंडदेव के नाम को कलंकित करना ही क्यों? रही बात महाराज के गुरु की, तो अगर हम आपसे पूछें या अगर आप हमसे पूछेंगे कि आपका गुरु कौन है तो सिर्फ माँ बाप का नाम सामने आएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी अपने गुरु का जिक्र कहीं पे भी नहीं किया है तो इस बात पे सियासत चलाना भी सही नहीं है। पर फिर भी दिल की तसल्ली के लिए महाराज के गुरु का नाम जानना हो तो सिर्फ जीजाबाई और शाहजी राजे भोसले को उनका गुरु बनने का हक था और है,
क्योंकि जंगल झाड़ियों में रहकर जीजाबाई ने ही महाराज को पढ़ाया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य बनाया उसका बीज खुद शाहजी राजे भोसले ने बोया था। अगर पुत्र ने पिता का सपना पूरा किया है तो इस बात में कोई शक नहीं है कि आपके और हमारे तरह खुद छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु भी उनके माता पिता ही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में सिर्फ एक इंसान को बुलवाकर संक्षिप्त इतिहास लिखवाया गया। वो इंसान थे कविंद्र परमानंद। उस दौर में कविंद्र परमानंद संस्कृत भाषा के बड़े जानकार और कवि थे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज्य फैलने लगा तब उनकी इच्छा हुई कि उनका महान कार्य लिखित रूप में संग्रहित होना चाहिए। इस बात को देखते हुए कविंद्र जी ने शिव भारत इस महान ग्रंथ का निर्माण किया। अफसोस की बात यह है कि शोधकर्ताओं को इस ग्रंथ की सिर्फ आधी प्रिंट मिली। इस आधे ग्रंथ से भी छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत सारी बातों का पता चलता है। किताब के शुरुआत में ही परमानंद ने कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कहने से वे इस किताब को लिख रहे हैं। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज किसी को अपना गुरु मानते थे तो वो इस इंसान का जिक्र ज़रूर करते।